जनपद भर में पौधारोपण के नजारे देखने को मिले। कई विद्यालयों में और ग्रामीण अंचलों में पौधारोपण की तस्वीरें सामने आई। नगर के मंचना रोड स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें आगरा से आए आरटीओ व विद्यालय प्रबंधक ने 600 पौधे लगाए, जिसके बाद आरटीओ एके सिंह ने यहां मौजूद छात्र छात्राओं को बताया पौधे लगाना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में वृक्ष ही नहीं होंगे तो हम लोगों को हवा और पानी नहीं मिलेगा, जिसके बाद भविष्य कैसा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रबंधन उनकी देखभाल करता है, स्कूल में हम खुद का गार्डनर है वो उनकी देखभाल करता है और स्कूल प्रबंधन इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी लेता है। सर कितने पौधे लगे हुए हैं? 500 पौधे सरकार की तरफ से और 50 पौधे विद्यालय प्रबंधन तरफ से आरोपित किए गए हैं। इसके आधार पर हम लोग पूरे जनपद में 2680 पौधे का हमको टारगेट मिला था, लक्ष्य निर्धारित हुआ था उनका, पर हमने 5 स्कूल इसमें सेलेक्ट किए थे, जिसमें से एक पैराडाइज स्कूल था और दूसरे स्कूल बेवर में भी है, बन्नाहल में है और उनमें भी हम लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने 500 पौधे लगाए हैं। हम स्कूल को चयन करने का जो हमारा थोड़ा सा ध्यान गया है, इसलिए हमने इसको इसलिए करा कि हम सारे पौधे बच जाते हैं और बच्चे उसका बड़ा ख्याल रखते हैं और समय समय पे हम लोग भी यहाँ आते रहते, तो हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा लगाए हुए पौधे बड़े फलीफूत और अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने लगाए थे, पिछले साल के पौधे भी यहाँ पे काफ़ी लगे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में ऐसा हम विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास है कि पैराडाइज स्कूल का प्रबंधन उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पौधों को संभालेगा और पौधे जो काफ़ी अच्छे बड़े होंगे। तो हमें बहुत अच्छा 500 के आसपास पौधे लगाए हैं, उसे हमारे जो परिवहन विभाग का टारगेट है कितने का है? 2680 का टारगेट है पूरे जनपद में लगाने का। हर जिले का अलग अलग टारगेट है विभाग का। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आज 9 अगस्त है और आज ही के दिन 77 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन के एक आंदोलन चलाया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में बृहद पूरे प्रदेश में किया है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक जनपद में, जैसे मनपुरी के लिए हमारे परिवहन आयुक्त महोदय खुद आए हुए हैं, वो अभी किसी और क्षेत्र में वृक्षारोपण करवा रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इतना गंभीर रूप से इस वृक्षारोपण के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर है और हम लोग इसी के तहत जो है हम आगरा से चल के हम RTO आगरा हैं, हमारे क्षेत्र में पड़ता है मनपुरी, तो RTO साहब ने भी हमको रिक्वेस्ट किया था, हमने भी देखा है पैराडाइज स्कूल में यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है बच्चों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जानते हैं कि जो वृक्ष लगा के जा रहे हैं, ये जो हम लोग पौधा लगा के जा रहे हैं, वृक्ष कम पैराडाइज स्कूल के व्यवस्था पर लोग इसका ख्याल रखें। वहीं ग्राम पतारा में ग्राम पंचायत उधना डांडा में प्रधान नेहा चौहान के प्रतिनिधि पंकज चौहान की ओर से भी पौधा रोपण किया गया। साथ ही करहल के ग्राम मणापुर में पौधा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने कहा कि पौधा रोपण बहुत जरूरी है, इससे पर्यावरण सही रहता है। वहीं जनपद भर में कई अन्य स्थानों से भी पौधा रोपण की तस्वीरें सामने आई है।